अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहु। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारा आज का मैसेज है, वक्त का ज़िया नहीं करना। क्लास प्रेप हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, पेज नंबर है 26, यूनिट नंबर है 8, नेम ऑफ यूनिट है प्रेपोजिशंस इन, ऑन एंड अंडर, टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आज हम करेंगे, ई एक्स ई आर सी आई एस ई, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीन मश्क, मश्क। पी यू टी पुट, आई एन इन, ओ एन ऑन, ओ आर और, यू एन डी ई आर अंडर, इन दी, बी एल ए एन के एस ब्लैंक्स। उन्होंने क्या कहा है, इन ऑन अंडर, ये क्या है प्रेपोजिशंस, इसको हमने कहाँ लगाना है, ब्लैंक्स में, खाली जगह पे लगा के हमने इस पूरे सेंटेंस को मुकम्मल करना है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। टी एच ई डी एम ओ एन मन, के ई वाई की मंकी, आई एस इज़ मीन है, आगे क्या है डैश ब्लैंक जो है उन्होंने जगह दी हुई है, इसमें हमने प्रेपोजिशन लिख के इस सेंटेंस को मुकम्मल करना है। टी एच ई डी जी ओ ए टी गोट, गोट मीन बकरी, दी मंकी इज डैश दी गोट, मंकी एक मंकी कहाँ है, अब देखते हैं हम पिक्चर, ये क्या है गोट, गोट पर क्या है मंकी, आपको पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है ये गोट है और गोट पर क्या है मंकी, तो हम इधर कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे, ओ एन ऑन, द मंकी इज ऑन द गोट, द मंकी इज ऑन द गोट, बंदर बकरी पर है, ओ एन ऑन, द मंकी इज ऑन द गोट, बंदर बकरी पर है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इधर कौन सी प्रेपोजिशन लगी है, ओ एन ऑन, हमने कौन सी प्रेपोजिशन इधर पुट की है, ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्रो मीन कौवा, आई एस इज मीन है, डैश दी सी ओ डब्ल्यू काउ, काउ मीन गाय, दी क्रो इज डैश दी काउ, कौवा है डैश दी क्रो काउ। अब देखें पिक्चर देखते हैं, ये क्या है काउ गाय है, इस पर क्या है क्रो, तो हम इधर कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, ओ एन ऑन, कौन सी प्रेपोजिशन हमने इधर पुट की है, ऑन, द क्रो इज ऑन द काउ, कौवा गाय पर है, ओ एन ऑन, ऑन मीन पर, द क्रो इज डैश द काउ, द क्रो इज ऑन द काउ, कौवा गाय पर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दी आर ए टी रैट, रैट मीन चूहा, आई एस इज मीन है, डैश दी सी यू पी कप, कप मीन कप, द रैट इज डैश दी कप। अब हम देखेंगे पिक्चर, इन है ऑन है अंडर है, ये जो रैट है ये कप के इन है, ऑन है ये अंडर है, इन है ये कप में है, कप के अंदर है, इसलिए इधर कौन सी प्रेपोजिशन पुट करेंगे,
आई एन इन, हाँ जी आई एन इन। द रैट इज इन द कप, चूहा कप में है। चलें जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सी ए टी कैट, कैट मीन बिल्ली, आई एस इज मीन है, डैश द टब, द कैट इज डैश द टब। अब इधर कौन सी प्रपोजिशन हम पुट करेंगे, ये देखिए जो बिल्ली है टब के अंदर है, इन आई एन इन, टब में है, इन द टब। द कैट इज इन द टब, बिल्ली टब में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कैट इज डैश द सी एच ए आई आर चेयर, चेयर मीन कुर्सी। द कैट इज डैश द चेयर, अब पिक्चर में देखें जो कैट है वो इन है, ऑन है या अंडर है चेयर के, क्या है अंडर, नीचे कुर्सी के नीचे बैठी हुई है ये जो कैट है, बिल्ली है ये चेयर के नीचे है अंडर। तो इधर हम कौन सी प्रपोजिशन पुट करेंगे, अंडर, यू एन डी ई आर अंडर। द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। नेक्स्ट देखते हैं। द डी ओ जी डॉग, डॉग मीन कुत्ता, आई एस इज मीन है, डैश द टेबल, टी ए बी एल ई टेबल, टेबल मीन मेज। द डॉग इज डैश द टेबल, अब देखें पिक्चर में डॉग किधर है, अंडर है, अंडर द टेबल। तो इधर हम क्या लगाएंगे, अंडर, अंडर क्या है प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दी पी ए डबल आर ओ टी पैरट, पैरट मीन तोता, आई एस इज मीन है, डैश दी सी ए जी ई केज, केज मीन पिंजरा, केज मीन पिंजरा। दी पैरट इज डैश दी केज, अब देखें जो तोता है वो इन है, ऑन है या अंडर है, इन है, इन दी केज। इधर कौन सी प्रपोजिशन को पुट करेंगे, आई एन इन, द पैरट इज इन द केज, तोता पिंजरे में है, तोता पिंजरे में है। ये था हमारा आज का लेसन, आपने घर में इसको मुकम्मल करना है। ठीक है, मुझे मेरे वालदैन को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।